कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन यदि कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछे तो आप सोचने लगे ना। आइए हम आपको बताते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या है, एक कंसेप्ट याद रखना है। कभी भी यदि इंटीग्रेंड में आपको एक ही फंक्शन दिखाई दे तो वन को हम लोग दूसरा फंक्शन मानेंगे। और अब क्या करना है, बायपास का फॉर्मूला लगाना है। तो देख लो बायपास में क्या कहता है, पहला फंक्शन को हमको बाहर कर लेना है तो दूसरा का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और जिसको बाहर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन यानी कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में वन बटे वन प्लस में एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स और डीएक्स। और अब देखना मेन काम यहां आपको करना पड़ेगा क्या, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स और इनटू कॉट इनवर्स एक्स, और बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा वन इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स और डिवाइडेड बाय वन प्लस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब करना क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करना है। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स। तो मेरे पास इंटीग्रेंड में एक्स तो है यानी कमी क्या चीज का है, दो का, तो दो से गुना भी करेंगे और दो से भाग भी देंगे। और अब क्या, अब आप देख लीजिएगा ये क्या हो गया एक्स और इनटू आपका हो गया कॉट इनवर्स एक्स और प्लस में वन बटे टू, और इसको एक्स मानोगे तो वन बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स, लेकिन एक्स नहीं, एक्स के जगह पे वन प्लस में एक्स स्क्वायर है, वन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इसके